कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कहने को अक्षय कुमार को गुरु मानते हैं जॉन अब्राहम, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है, बॉक्स ऑफिस क्लैश की आती है, तब अपनी मूवी को सेम टाइम पर रिलीज करते हैं जब अक्षय की आने वाली होती है। ये सिलसिला 20 साल से चल रहा है और आने वाले टाइम में सरफिरा वर्सेज वेदा होने जा रही है। अक्षय कुमार ने जैसे अपनी मूवी सरफिरा को 12 जुलाई को रिलीज करने का अनाउंस किया, उसके कुछ ही दिनों बाद जॉन अब्राहम ने अपनी मूवी वेदा की डेट भी सेम टाइम पर फिक्स कर दी, यानी फिर से दोनों का क्लैश होने जा रहा है। मजे की बात है कि 20 साल से दोनों क्लैश कर रहे हैं। इनका पहला थिएटरिकल क्लैश जो हुआ था वो हुआ था खाकी वर्सेज एतबार के टाइम में, साल था 2004। उस वक्त खाकी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, एतबार सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद दोनों की टक्कर हुई कुछ साल बाद 2005 में, जब अक्षय कुमार की इंसान आई और जॉन अब्राहम की ऐलान आई। हालांकि दोनों फिल्में ही फ्लॉप साबित हुई, फिर भी दोनों का क्लैश काबिले गौर है। इसके बाद अगली टक्कर होती है उनकी साल 2018 में, जब अक्षय कुमार की गोल्ड आती है और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते आती है। दोनों फिल्में सुपरहिट साबित होती हैं और दोनों की टक्कर गेम आगे बढ़ते हुए पहुंचता है साल 2019 में, जब दोनों की मूवी स्वतंत्रता दिवस पर आती है, अक्षय कुमार की मिशन मंगल और जॉन अब्राहम की बाटला हाउस। हालांकि यहाँ पर बाजी मारते हैं मिशन मंगल के साथ अक्षय कुमार, फिर भी बाटला हाउस भी ठीक ठाक साबित होती है। हालांकि जब भी दोनों की टक्कर होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्में चल जाती हैं दोनों की, या फिर दोनों की सुपर फ्लॉप साबित होती हैं। तो अब देखने वाली बात है कि 20 साल बाद दोनों की मूवी फिर से 12 जुलाई को टकराने वाली है, अब कौन सी ब्लॉकबस्टर साबित होती, कौन सी सुपर फ्लॉप, या फिर दोनों चल जाती हैं। तो ऐसे में कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए आपको क्या लगता है, सरफिरा बाजी मारेगी या फिर वेदा का जलवा कायम रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।